सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में ज्यादातर लोग सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं। जुकाम होने पर सिर में दर्द होना, आवाज का भारी होना, नाक बहना, हल्का बुखार आना और बदन टूटना आम लक्षण है। कहते हैं जुकाम में कोई एलोपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जुकाम अधिकतर 3 से 4 दिन में खुद ही सही हो जाता है। इसलिए आज हम आपको जुकाम से लड़ने का एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहे हैं तो जादू की तरह काम करता है। इस नुस्खे का नाम है जीरा। जी हाँ, जीरा सिर्फ खाने में ओंक लगाने का काम नहीं करता, बल्कि ये हमारी रसोई में मौजूद एक चमत्कारिक औषधि भी है। जाने जुकाम होने पर कैसे करें जीरे का इस्तेमाल। यदि आपको जुकाम है तो आप त्वचा जीरा चबा सकते हैं, तुरंत आराम मिलेगा। जुकाम होने पर दिन में 3 से 4 बार जीरा दबाएं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इसे अपने बैग में रख लें। ऐसा करने से आपको पहले दिन ही आराम मिलेगा। साबुत जीरा या जीरे के मिश्रण का इस्तेमाल चाय में डालकर भी किया जा सकता है। यदि आपको जीरे की चाय का स्वाद बहुत अजीब लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाय में जीरे के साथ अदरक और तुलसी भी डालकर सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी में जीरा डालकर भाप लेने से भी जुकाम चुटकी में दूर होता है। भाप लेने के बाद मुंह को चादर से लपेट कर खो जाएं। जीरे और लौंग के मिश्रण को आपस में मिक्स कर लें। एक एक चुटकी दिन में 3 से 4 बार लें। जीरा जुकाम सही तो करता ही है, साथ ही ये वजन घटाने के लिए रामबाण है। जीरे के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हार्ट अटैक की बीमारी का खतरा भी कम होता है। जीरे को भूनकर उसके मिश्रण को दही के साथ लेने से भी जुकाम सही होता है। वेजिटेबल सूप में जीरे को डालकर भी आप ले सकते हैं, इससे जुकाम जल्दी ठीक होगा। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता तो आप गुनगुने पानी के साथ या शहद के साथ भी जीरा पाउडर का सेवन कर सकते हैं।